हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार और मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार किए गए पुणे जिले के एक शख्स पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे अग्रिम जमानत दे दी। इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायत के कल्याण के लिए किया जाएगा। प्राथमिकी के अनुसार MSCDCL के एक सहायक अभियंता द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर मामला घर का कनेक्शन कटने से संबंधित था, जिसके बाद भोगवाड़े सहित कई ग्रामीण इकट्ठा हो गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब वह एक लोक सेवक के रूप में अपना काम कर रहा था तो भोगवाड़े ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उस पर और स्टाफ के अन्य सदस्यों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। भोगवाड़े ने कथित तौर पर उनके साथ गाली गलौज भी की और उन्हें धमकाया। उसने शिकायतकर्ता को धक्का दिया और उसके साथ मारपीट भी की। सुनवाई के दौरान भोगवाड़े की ओर से पेश अधिवक्ता रविंद्र पचुनकर ने कहा कि उनके मुवक्किल को सरकारी कर्मचारियों के साथ किया अभद्र व्यवहार का पछतावा है और यह घटना इसलिए हुई क्योंकि वह चिंतित महसूस कर रहा था। पचुनकर ने कहा कि भोगवाड़े युवा है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने को तैयार है। वहीं पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता पी शिंदे ने कहा कि भोगवाड़े का अधिकारियों के साथ अक्सर टकराव होता रहता है। जब कोविड के दिशा निर्देश लागू थे तब भी उसने इस तरह की हरकत की थी।